इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले छेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि रेजाड़ी पानी को इकट्ठा करने के लिए एक विशिष्ट कुएं बनाना क्या है, विशिष्ट कला है। और सबसे पहले क्या करता है चेलवा जी, कुएं बनाने के पहले वह लंबाई और गहराई नापता है कुएं की, कि कितना चौड़ा होगा, कितना गहरा होगा। 3-4 हाथ चौड़ाई होती है और गहराई आपने देखा कि 30 हाथ से लेकर के 60-65 हाथ तक की गहराई को मापता है चेलवा जी। फिर क्या होता है, चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं। लेखक कह रहे हैं कि कुई खोदने का जो काम होता है उस काम को चेजो कहते हैं और इसका श्रेष्ठतम काम ही कुई का प्राण है। यानी सबसे कुई का मुख्य काम क्या होता है, कुई बनाने के लिए चिनाई का काम जो होता है उसका सबसे प्रधान या मुख्य कार्य होता है। और थोड़ी सी भी अगर इस कार्य में चूक हो जाती है तो इसमें चेलबाजी की जान भी जा सकती है। और रोज़ थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ये नहीं कि एक ही दिन खूब ज़्यादा खुदाई हो जाए, रोज़ थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और फिर डोल यानी एक बर्तन होता है उससे अंदर का मलबा निकाल के बाहर फेंका जाता है और फिर क्या किया जाता है, उस मलबे को फेंकने के बाद उसमें कुएं में चिनाई की जाती है। और चिनाई का कार्य इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर चिनाई का कार्य न हो या असावधानी पूर्वक हो तो कुएं भसक सकती है, धंस सकती है। तो इसलिए चिनाई का कार्य क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अभी आपने देखा कि कुएं ये नहीं कि एक ही बार खूब गहराई तक खोद ली जाती है, थोड़ी थोड़ी खोदी जाती है और जब चिनाई का कार्य पूरा हो जाता है उतनी दूर का तो फिर खोदी जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे कार्य यह आगे बढ़ता जाता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है, तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवाजी को राहत दे जाती है। देखिए, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि 20-25 हाथ की खुदाई जब हो जाती है और चेलवाजी नीचे बढ़ता जाता है तो गर्मी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ज़मीन के जितना ही अंदर जाएंगे जाहिर सी बात है गर्मी वहाँ बढ़ने लगेगी और हवा कम होने लगती है। तब ऊपर के लोग क्या करते हैं, आपने पहले भी देखा है कि रेत उठा करके और नीचे कुएं में फेंकते हैं ताकि चेलवाजी को ठंडक मिल सके। तो अब देखिए, समय समय की बात होती है, ये बात भी, समय बड़ा बलवान होता है, ये बात भी लेखक बता रहे हैं। कहा कि मरुभूमि की जो हवा यानी यहाँ की रेगिस्तान की जो हवा विशाल बालू के टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाती है, वही हवा क्या होती है, एक मुट्ठी रेत से यहाँ कुएं के अंदर उड़ने लगती है। यानी यहाँ वह कितनी कमज़ोर हो जाती है और यहाँ रेगिस्तान के मैदानी भागों में, रेगिस्तान के बलुई भागों में यह कितनी मजबूत है, लेकिन इस कुएं में कितनी कमज़ोर पड़ जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो कुएं खोदना वैसे ही कठिन कार्य होता है, लेकिन यहाँ राजस्थान में कुछ जगहें ऐसी हैं कि कुएं खोदना और भी दुष्कर कार्य हो जाता है। क्यों दुष्कर हो जाता है, इसलिए कि जो चिनाई की जाती है वह ईंट से की जाती है, लेकिन कहीं कहीं ईंट से चिनाई का कार्य संभव नहीं हो पाता, कठिन हो जाता है। तब क्या किया जाता है, किससे चिनाई होती है, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। यानी जब ईंट से नहीं रुक पाता कुएं का दीवार तो उसको रस्सी से बांधा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कैसे बांधा जाता है।
पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। अब देखिए, उन जगहों पर जहां ईंट से चिनाई संभव नहीं होती, वहां क्या किया जाता है? जब कुएं खोदने का पहला दिन होता है, उसी दिन क्या किया जाता है, खींप नामक एक विशेष घास होती है, उसके ढेर को जमा कर दिया जाता है। यहाँ आप चित्र में उसे देख रहे हैं, उस घास को। और जब चेजारो कुएं खोदने का कार्य शुरू करता है, तब वहाँ जो बाकी लोग होते हैं वह खींप की घास को बटने लगते हैं। और यह कार्य वहाँ के सामान्य लोग करते हैं, जिनका या तो वो करेंगे जिनका कुएं खोदा जा रहा है, क्योंकि बटने का कार्य कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। तो उस घास की रस्सी कुछ लोग बनाते हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं, या जो वहाँ अन्य लोग होते हैं। चेलवाजी कुएं खोद रहा होता है, और पहले दिन का काम जब पूरा होता है तो कुएं की गहराई लगभग 10 हाथ तो हो ही जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। अब देखिए, आगे आपको ये देखने को या पढ़ने को मिलेगा कि ये जो खींप की रस्सी होती है, ये ऊपर से बांधना शुरू करते हैं लोग, और धीरे धीरे ज्यों ही नीचे तक खुदाई होती जाती है, तो ऊपर का जो गोल हिस्सा होता है उसको नीचे धीरे धीरे खिसकाया जाता है, और इस प्रकार जो रस्सी का सबसे ऊपरी छोर होता है वह हमेशा सबसे ऊपर वाले गोले में ही रहता है। आपने यहाँ पढ़ा कि जो पहला गोला होता है वहाँ दीवार से कुएं के तले पर के दीवार से सटा कर क्या किया जाता है, पहला गोला बिछाया जाता है, फिर ऊपर से दूसरा, तीसरा, चौथा उसके ऊपर, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंस कर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अब देखिए, अब आ गई बात, जो रस्से का सबसे आखिरी छोर होता है वह सबसे ऊपर रहता है। पहले क्या होता है, कुएं के तले पर सटाकर पहला गोला बिछा जाता है, लेकिन वो तो पहला हो गया। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों कुएं नीचे आती जाती है, गहराई से खोदी जाती है, तो पहला गोला नीचे सरकाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक गोला आता है उसको भी नीचे सरकाया जाता है, फिर उसके ऊपर गोला आता है उसको भी नीचे सरकाया जाता है। इस तरह करते करते रस्सी का जो सबसे आखिरी छोर होता है वो सबसे ऊपर रह जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। वही बात जो आपको ऊपर मैंने बताया, ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। अब देखिए, रस्से की जो कुंडली होती है, कई कई जगह ऐसा होता है कि फिसल जाता है, नहीं अटक पाता, तो वहाँ चिनाई करके उसको अटका दिया जाता है, कुंडली को टिकाए। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। अब लेखक कह रहे हैं यहाँ कि अगर 5 हाथ के व्यास की कोई कुएं हो और उसमें रस्से की कुंडली का एक घेरा बनाना हो, तो कहते हैं कि एक घेरे को बनाने में ही 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। और कह रहे हैं कि एक हाथ की गहराई की बात अगर की जाए तो उसमें रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। तो इस हिसाब से एक हाथ में 10 लपेटे आते हैं और एक घेरे को बनाने में 15 हाथ लगते हैं, तो 15 धामे 150 हाथ, 150 लंबी रस्सी जो है केवल एक हाथ गहराई में खप जाती है। तो अब अगर 30 हाथ गहरी कोई कुएं उस घास की रस्सी से बांधनी है, तो यह लंबाई लगभग घास के रस्से की लंबाई लगभग 4000 हाथ के आसपास आती है।
और नए लोग अगर यह कुएं खोदते हुए देखेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कुएं खोदने का कार्य हो रहा है या रस्सी बनाने का। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बड़, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगाल एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है मोटा तना। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि कुएं को अंदर से बांधने के लिए कहीं कहीं पर पत्थर भी नहीं मिलते और कहीं कहीं वो खींप वाली घास की रस्सी भी नहीं मिलती, लेकिन अगर वहाँ रेजाड़ी पानी है तो कुएं तो खोदना ही पड़ेगा। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसको अंदर से चिनाई कैसे करते हैं? तो कहा कि ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। और यह लट्ठे किन पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं? तो कहा कि अरली, बावल, कैर या कुंभट के पेड़ों से, और कहीं कहीं तो यह काम आग के पेड़ों से भी चलाया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। अब देखिए लट्ठों से कैसे बांधी जाती हैं कुइयाँ। तो सबसे पहले लट्ठे को वहाँ सीधा खड़ा करके खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं जहाँ खींप नहीं होती वहाँ चक की रस्सी का भी प्रयोग किया जाता है। यह बधाई कुंडली की आकार की होती है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाते हैं गोलाकार में, वैसे ही यह कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। कड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारू ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए नीचे की खुदाई और चिनाई का काम जब चेलवाजी कर रहा होता है और ऐसे कार्य वो कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख होती है, खूब ज्ञान होता है, तो खड़िया पत्थर की पट्टी जब खुदाई करते करते उसको दिख जाती है तो सारा काम वहीं रोक दिया जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है, यानी वहाँ पानी रिस रिस के इकट्ठा होने लगता है और फिर क्या होता है, चेजारू काम बंद करके ऊपर आ जाता है।